बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल माड़ा है, जो कि रोहिला वाली से 7 किलोमीटर मगरब में तहसील मुजफ़्फ़रगढ़ में वाक़ है। अभी सुबह का वक्त है, 8 बजे का स्टाफ सारा पहुंच रहा है। स्कूल की टाइमिंग 8:30 बजे है। असातिज़ा खड़े हैं जो बच्चों को स्कूल पे रिसीव कर रहे हैं। इसके अलावा ये हमारे स्कूल का रिज़ल्ट है, गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल माड़ा। टॉपर बच्चे ने साल 1078 नंबर लिए 1100 में से। दूसरी पोजीशन अब्दुर्रऊफ की 1057 और तीसरी पोजीशन हमजा आरिफ की थी। इसके अलावा हमारा जो 9th का रिज़ल्ट है इस साल का, वो 495 नंबर। हमारा स्कूल ज़िला के टॉप 10 स्कूलों में रिज़ल्ट के हवाले से शुमार किया जाता है। अरसनान इकबाल 499 और अब्दुल्ला नूर 484। और ये देखें, 400 से ऊपर नंबर लेने वाले कितने बच्चे हैं आपके सामने हैं। ये स्कूल का जो फ्रंट है, यहाँ पे ये मोहतरम जनाब सीओ साहब की हिदायत के मुताबिक ग्रीन एंड ग्रे बनाने की बेहतरीन कोशिश की गई है स्कूल को। ये देखें, आपको कोई जगह मिट्टी नज़र नहीं आएगी। ये सरसब्ज़ शादाब स्कूल। इसके अलावा ये ई मैगज़ीन के हवाले से जो पैनाफ्लैक्स जो हिदायत दी गई थी वो ये लगा हुआ है। इसके अलावा जो कुतुबीनी और स्टूडेंट्स काउंसिल की ज़िम्मेदारियाँ थी, उनके पैनाफ्लैक्स भी यहाँ पर आवेज़ा किए गए हैं। ये हमारे ग्रासी प्लाट्स हैं, अब इनके ज़रा ये जो ग्रासी प्लाट है, प्लाट नंबर 1 स्कूल के गेट के साथ सारा बेहतरीन इसकी तराश खराश। और ये जो रवशें हैं ये बकायदा बड़ी बेहतरीन बनाई गई हैं। इसके साथ ही जो है वो प्लाट नंबर 2 है, ये देखें, इसमें भी सारा ग्रास लगाया हुआ है, फूल काश्त किए गए हैं यहाँ पे। और सारा जो है ग्रीन एंड ग्रे के हवाले से जो चीज़ सीओ साहब ने हिदायत दी थी स्कूल को, उसी तरह कोशिश की गई है कि उसी तरह बनाए। ये स्कूल का जो प्लाट नंबर 3 है, ये सारा प्लाट नंबर 3 और ये प्लाट नंबर 4, ये रवेशें जो हैं देखें साफ़ सुथरी बाकायदा, कोई पत्ता कोई मिट्टी आपको नज़र नहीं आएगी। यहाँ पे ये प्लाट नंबर 4 है, अभी घास की कटिंग और पौधों की तराश खराश जो है, इसके साथ ही साइंस लैब है ऊपर। और ये प्लाट नंबर 5 है, यहाँ पे जो जगह आपको नज़र आ रही है, पहले यहाँ पे स्टेज होता था, ग्राउंड छोटा हो गया, अब यहाँ से हटा लिया गया है और इस जगह पे ये घास लगा दिया गया है ताकि ये भी उसी तरह सरसब्ज़ शादाब हो जाए। ये थोड़ा सा टुकड़ा बचा हुआ, ये हमारा प्राइमरी पोर्शन। ये सारा जो है आपको देखें, जहाँ तक नज़र आ रही है आपको, कहीं पे कोई मिट्टी कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी, कोई टुकड़ा ऐसे नज़र नहीं आएगा। ये सारा जो है इस पर सब्ज़ा जो है वो लगा दिया गया है। ये मोटर्स जो हैं बाथरूम्स से, मतलब किसी बाथरूम में कोई मोटर लगी हुई नहीं है, ये हमने बाहर शिफ्ट कर दिए हैं। एक बाथरूम में थी वो बाहर शिफ्ट कर दी गई थी। और दरख्तों पे जो है नेम टैलियाँ, ये भी हमने आवेज़ा कर दी हैं हिदायत के मुताबिक, जिस तरह हमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से वक्तन फवक्तन हिदायत मिलती रहती हैं, उसी तरह हमने स्कूल को कोशिश कर रहे हैं कि उनकी हिदायत पर 100% अमल हो। ये नर्सरी है स्कूल की, ये भी हमने तकरीबन 3000 पौधे जो है वो काश्त किए थे, जिसमें से हम तकरीबन 1000 से ज़ायद जो पौधे हैं वो अपने क्लस्टर के दूसरे स्कूलों को तकसीम कर चुके हैं। और ये जो है यहाँ पे नर्सरी की प्लाट है, छोटे बच्चों के लिए, नर्सरी वाले बच्चों के लिए खेलने के लिए जो है ये झूले लगाए गए हैं, ताकि बच्चे जो है वो जो बच्चे खेल कूद रहे हैं। अभी स्कूल की जो ऑफिशियल टाइमिंग है वो शुरू नहीं हुई, 8:30 बजे असम्बली होगी। बच्चे अभी आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं स्कूलों में। और उनके फारिग वक्त है, उनके पास खेल कूद में मसरूफ़ हैं। ये है स्कूल का
प्राइमरी पोर्शन है। हर क्लास के बाहर असातिज़ा का नाम, क्लास इंचार्ज का, उनकी तालीम, उनका ओहदा जो है वो लिखा हुआ साफ़ सुथरा। ये देखें कहीं पे आपको कोई मट्टी कोई चीज़ नज़र ना नहीं आएगी। ये बाहर वाला इसका हिस्सा है, ये बच्चों के लिए स्पेशल हमारे स्कूल में किड्स रूम बनाया गया है स्पेशली नर्सरी के बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए है। देखें छोटे बच्चे यहाँ पे बैठ के पढ़ते हैं, बच्चों की इंटरटेनमेंट के लिए एलईडी यहाँ पे लगाई गई है। इसमें बच्चों को पोएम्स ए बी सी डी हरूफ तहज्जुद उर्दू के सारे जो है एलईडी पे दिखाए जा रहे हैं। स्कूल से आधा घंटा पहले पीएन जो है वो अपने अपने सफाई कर रहे हैं, अपना अपना एरिया जो है उनको दिया हो गया है। पर आपको नज़र आ रहा होगा ये साइकिल स्टैंड है, एक साइड पे कोने में बनाया हुआ है, और ये हमारा खेल का मैदान है। ये देखें इसमें बच्चे फुटबॉल क्रिकेट वॉलीबॉल वगैरह जो है ये खेलते हैं। असम्बली भी इसी ग्राउंड में कराई जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह 1000 से ज़्यादा स्कूल की तादाद है। और ये रविशें देखें साफ़ सुथरी, सब्ज़ा हर तरफ, बेहतरीन कोशिश है ये हमारी इंतज़ामिया की, प्रिंसिपल साहब की, जामला यार साहब शाह साहब की। ये दरख्तों के ऊपर दरख्तों का नाम, साइंसी नाम और एक कोटेशन जो है वो दी गई है ताकि बच्चों को दरख्तों की अहमियत और उसका अफादियत का जो है वो पता चले। ये सब दरख्तों पे जिनका डाया जो है वो 24 इंच से ज़्यादा है, सब पे जो है वो ये लगी हुई हैं ये दोनों तरफ। ये लेकिन शीशम के ऊपर बच्चे खेल कूद में मसरूफ़ हैं। स्कूल की साइंस लैब है, ये हमारे स्कूल का मिडल पोर्शन है। ये भी ग्रीन एंड ग्रे सारा एरिया। इसके अलावा स्कूल का हाई पोर्शन है, क्लासें हैं, सेवन्थ है, दो सेक्शन है, एक सेवन्थ सिद्दीक एक सेवन्थ फारूक। इसी तरह सामने ये एट्थ है, एट्थ सिद्दीक है और एट्थ फारूक है। ये दोनों आमने सामने सेक्शन है। इसके सामने जो है वो टेंथ हैं, दो सेक्शन टेंथ के हैं, एक टेंथ सिद्दीक और एक टेंथ फारूक। इसके अलावा आगे नाइन्थ की क्लासेस हैं, ये नाइन्थ फारूक है और नाइन्थ सिद्दीक। स्कूल का प्रिंसिपल ऑफिस और ये जो टीचर ग्रेडिंग वाला पेनाफ्लेक्स था ये यहाँ पे लगा दिया गया है। इसके अलावा स्कूल का क्लर्क ऑफिस है और ये आईटी लैब स्कूल में। स्कूल की मौजूदा इमारत जो है वो 18 क्लासरूम्स, एक आईटी लैब, एक साइंस लैब, 13 टॉयलेट्स, सिक्योरिटी रूम और प्रिंसिपल ऑफिस और क्लर्क ऑफिस पर मुश्तमिल है। बहुत शुक्रिया।